कस्बे के सांभर में नेहरू गार्डन में संचालित इंदिरा रसोई में व्यवस्थाओं को देखने हेतु जब पत्रकार पहुंचे तो इन्हें वहां के हालात देखकर दंग रह गए। चारों तरफ गंदगी का आलम देखने को मिला। खाने वाले लोगों से जब हमारे पत्रकार ने वार्तालाप की तो खाने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, जली हुई रोटी, कच्ची रोटी खिलाते हैं, हाथ धोने के बेसने में पानी जमा हुआ है। इंदिरा रसोई के पीछे जो बाथरूम में कितने दिन से गंदगी पड़ी हुई है पता नहीं है, बाल्टियों में बची हुई खाना पड़ी हुई है, कब से आज तक खाली नहीं कराया गया। हमारे पत्रकार जब काउंटर में लेडीज से बात किया तो उन्होंने जवाब में बोला, कभी कभार कच्ची एवं जली हुई आ जाता है, हर वक्त नहीं होता, और गंदगी जो है वह नगर पालिका के काम है, हमारा नहीं। अभी देखने वाली बात यह होगी कि ऐसा गंदगी में खाना कौन खा सकता है, ये सोचने वाली बात है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है, इंदिरा रसोई में अधिकारी पार्षद महीने में एक बार निरीक्षण करने के खाना के जायजा लेने के लिए कहा था, मगर यहाँ तो भगवान भरोसे ऊपर से ठेकेदार जो इंदिरा रसोई चला रहे हैं वो भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे, जिससे खाना खाने वाले लोगों में रोष है। आपको बताते चले, जब पत्रकार ने इंदिरा रसोई संचालक से बात करना चाहा तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया। स्टेट टोल फ्री नंबर 181 और विभागीय टोल फ्री नंबर 1818-06-127, इसी में इंदिरा रसोई के कोई भी निर्देशक तक बात करने के लिए कोई रास्ता नहीं है, यह खाली दिखावटी है। सरकार की आंख में धूल लगाने के लिए जनता टोल फ्री नंबर पर बात करे, कोई सूचना देने की कोशिश करे इंदिरा रसोई के बारे में तो कैसे और किसको बताएंगे। सरकार के कान तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है और मुख्यमंत्री को जनता ने कह रही है कि हमारा एरिया में कोई कार्य नहीं हुआ है, ऐसा टोल फ्री नंबर रहने से कैसे होगा, मुख्यमंत्री को कौन बताएंगे, यह सुनने वाली बात है। और टोकन कितना काट रहा है? 15 टोकन काट दिया। पैसा कितना लिया? 8। तो अगले कस्टमर कह रहे हैं जे रोटी जले हुई है, कच्ची रोटी है, क्या चक्कर है? अभी बोला ना, मेरे पास तो वीडियो है। रोटी कैसे है? जली हुई है सारे? जली हुई है, कच्ची भी है। जली हुई भी है, कच्ची भी है। और कितनी किस्म की सब्जी दे रहा है? दो सब्जी, दो दाल, आलू गोभी। और पैसा कितना लिया आपसे? कूपन 8 रुपये।